जी कैसे हैं आप? कैसे हैं सर आप? अरे सर आपकी दुआ है, बहुत अच्छा हो। पवन जी सवाल ये है कि कई फिल्मों का मैंने नाम इसमें देखा, जिसमें से एक फिल्म का नाम है योगी। जो आपकी फिल्में अनाउंस हुई हैं, उनमें से एक फिल्म का नाम है योगी। तो क्या ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जीवन पर आधारित फिल्म होगी? पवन जी जरा बताएं इस पर। अभी सिर्फ हम इतना ही कहेंगे कि कुछ समय हम साथ में थे बद्री भाई की, तो और विक्रम भैया हैं, बद्री जी हैं। तो अभी फिल्म के सिर्फ नाम सेलेक्ट हुए, स्टोरी का रही ये हम लोग बाद में सोचेंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे। पवन जी पांच फिल्में एक साथ अनाउंस हुई हैं आपकी, सारे कामा ने जिस तरह से गानों का सिचुएशन हालात बदल दिए, पांच फिल्में आपके साथ, जब ये फिल्में बनाने के बिजनेस में आए तो आपके साथ आपको इन्होंने चुना, जिम्मेदारी कितनी बड़ी मानते हैं पावर स्टार पवन सिंह खुद के ऊपर, कितनी बड़ी कंपनी ने इतना बड़ा भरोसा जताया है? देखिए क्या है पंडित जी, काम कोई भी हो, वो सिंगिंग हो या एक्टिंग हो, हमारे लिए पूजा है। और किस काम को हम कैसा करते हैं, ऑडियंस हमारे जवन हमारे भगवान हमें कितना प्यार मिलल, जेके सबसे ज्यादा प्यार मिल जाए वो हमारा फेवरेट हो जाएगा। तो जिम्मेदारी तो जब से हमारे श्रोता जो है, जिम्मेदारी जब से मिला तो उस जिम्मेदारी को हम लोग बहुत अच्छे से निभाएंगे। विक्रम जी से सवाल है मेरा एक। विक्रम जी, ऐसा वक्त जब भोजपुरी के ज्यादातर सिंगल पैक्स थिएटर्स बंद हो रहे हैं, ऑडियंस का उसमें एक के बाद एक थिएटर्स बंद होने के बाद ऑडियंस की कमी हो रही है, क्या ये सही समय है सारे कामा जैसी बड़ी कंपनी का इस बिजनेस में एंटर करने का? 3-5 साल पहले मुझे यही चीज भोजपुरी के गानों के बारे में बोली गई थी कि क्या ये सही समय है गाने लॉन्च करने का। 7 साल पहले हमने कारवां करके प्रोडक्ट लॉन्च किया था, मुझे पूछा गया था कि डिजिटल के जमाने में आज की तारीख में डब्बा कौन लॉन्च करता है। आई थिंक हमने कई बार ये प्रूफ करा हुआ है कि जो भी दिशा में पानी बह रहा है हम उसके अलग जाते हैं और जीत के दिखाते हैं। शुक्रिया, काफी दिन बाद आपको देखने मिला है, मुंबई आप आते नहीं है और बड़ी मुश्किल से अब मिले हैं मीडिया के समक्ष। थोड़ा मंदी नीचे भाई। मुंबई आते नहीं है यार, मुंबई आएंगे नहीं, मुंबई हमारे लिए कर्म भूमि है। मुंबई ने ही बताया है, दिखाया है कि हाँ हमारे अंदर क्या हो रहा है, नहीं तो जीवन कुछ और था, लेकिन जीवन जीवन में बदल गया ये मुंबई ने ही बताया है। कुछ देर पहले मैंने देखा बद्री भैया ने आपसे कहा है कि आपने वादा किया है पांचों फिल्म, तो उसके पीछे की कहानी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि भाई वादे करने की आवश्यकता थी? हम के मत फसाओ बाबा। बद्री भाई इस सवाल का जवाब प्लीज आप ही दे दीजिए। तो इस सवाल का जवाब जो है बेसिकली कि कितने डेडिकेटेड है पवन जी, जब आप इनसे बात करेंगे तो जैसे भोजपुरी में होता है कि गए शूट कर लिए, पर उनके साथ वैसा नहीं है, मतलब आपको एक प्लान दिखाना पड़ता है। जब हमने मोहब्बत अब बिछादा किया था तो सिर्फ सॉन्ग ही था, लेकिन इतनी डिटेलिंग कि अभी मैं शूज पहनूंगा या नहीं पहनूंगा, एक शॉट था जहाँ पे हमारा टाइम खत्म हो गया था, तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है नहीं लेते हैं, पर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये शॉट ये तो बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक सुबह 11 बजे शूट करना शुरू किया था हमने और दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक शूट किए थे, उसके बाद नेक्स्ट डे भी एक पैच वर्क किया था। तो अगर एक गाने के लिए वो इतना डिटेलिंग नहीं जा सकते तो फिल्म के लिए ऑब्वियसली, तो बाबा नेचुरल बात हमारा से सुनिए। जहां पे हम जाए काम करे खातिर, और सेट पे बैठल बने का हो, अच्छा भैया आ गए बैठाओ, हम भी थोड़ा वॉच करते हैं कि अच्छा ये पोजीशन है, भैया आ गए ठीक बात चल तुम साथ ये करिए, कहे कि दिन में मेहनत रहे तो ना खेल जा। लेकिन एक बात है, मैं जिस सेट पे पहुंचूं और देखूं कि यहाँ काम हो रहा है, तो उस स्थान पे पवन सिंह से ज्यादा स्पीड भी कोई दिखा दे तो मैं मानूं। काम को क्यों बोला जाता है कि काम पूजा है, इसलिए बोला जाता है। बद्री भाई
जैसे हमारे आप सबके बीच में रंजीत भैया बैठे हैं, लखनऊ में हम लोग 27 दिन में एक फिल्म कंप्लीट करके आए हैं, जिस फिल्म का नाम है सूर्यवंशम। लव यू बाबा, क्या आपने काम कराया है, थैंक यू सो मच आपको दिल से। तो बद्री भाई जो हमारे हैं, ये सेट पे बंदा जब पहुंचता है तो सिर्फ काम काम काम, हमारा काम कैसे अच्छा, अच्छा भाई जी ऐसे करें क्या, अच्छा भाई जी ऐसे करेगा, अच्छा हाँ इसको ऐसे करते हैं, तो क्या ना वहाँ दिल लगता है, मन करता है कि हाँ जानो चल जी, तब चल जी जान ना जाए आदमी अमर हो जाएगा। लव यू मेरा बद्री भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिहार, तमाम 5 फिल्में हमने देखी, आपके दिल के करीब कौन सा टाइटल लगा हुआ है? मैंने बोला था कि काम पूजा है, हमारे दिल के करीब सब टाइटल, सब काम हमारे दिल के करीब बा। और जो टाइटल जो मैंने देखा, एक वो टाइटल पे थोड़ा सा वर्कआउट होगा, उसको हम लोग चेंज करेंगे, बाकी जो टाइटल हमने देखा, विक्रम भैया, अजीत भैया, आपका शुभ नाम भैया, सिद्धार्थ जी, बद्री भाई जी, मैंने पहले ही बोला कि सारे गामा की टीम पे हमको इतना उम्मीद बा, खुद से भी ज्यादा। तो जवनी टाइटल बा, तो टाइटल जब देखिए कि वहाँ खड़ा हो गए, पिक्चर देखला के बाद गर्मी तो ना करी दे। जय हो जी। पूजा, फिल्म मस्ती से जो फिल्म है, आप पांच पांच फिल्म अनाउंस की गई है, कब से शुरू होगी कुछ बताइए हमारे दर्शकों को और हमें। अभी तो परसों हम जा रही लंदन, आई 25 दिन के बाद, फिर 10-12 दिन आदमी बिजी रहेगा अपने सॉन्ग में। इसके बाद जब विक्रम जी का आदेश होगा किया जाएगा। पवन सर, जैसा कि देखा जा रहा है पहले और अब में गाने आपके बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ऐसे में फिल्मों को समय कैसे मिल पाएगा, कैसे आप दोनों चीजें चल पाएंगे या गाने का मूड? मैंने कुछ दिन पहले भी इंटरव्यू दिया था कि हमारे ऑडियंस जो जितना प्यार करते हैं, जितना हमको सलाह देते हैं कि भैया ये ठीक नहीं के, भैया वाह, मन खुश हो गए, तो पब्लिक के प्यार जो हम माना, वो इतना एनर्जी दे देता है कि हर चीज छोटा दिखता है, कोई चीज बड़ा नहीं है। हर काम, वो चाहे सिंगिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे और कुछ भी हो, मस्ती में होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पवन जी नमस्कार, मैं रेहान बोल रहा हूँ लहरे भोजपुरी से। इन 5 फिल्मों को जो आपने साइन किया है सारेगामा और युडली फिल्म्स के साथ, बहुत बहुत बधाई लहरे की तरफ से भी। थैंक यू भैया। मेरा सवाल ये है कि आपकी एक और फिल्म आने वाली थी हर हर गंगे, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, दर्शक बहुत ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है, इसके पीछे का कुछ? हर हर गंगे टीजर आई, ट्रेलर आई, 2-3 घंटा की डबिंग हमारे बाकी हुआ, और हम लोगों ने जो हर हर गंगे फिल्म के जो प्रोड्यूसर है हमारे अभय भैया, अभय सिंह जी, तो हम लोग डिसाइड किया, आपस में सलाह किए कि भैया ये बारिश में फिल्म को रिलीज ना किया जाए, मेहनत बेकार चल जाए, तो हम लोगों ने ही डिसाइड किया है कि हर हर गंगे जो हमारी फिल्म है वो नवरात्रि के शुभ अवसर पर आएगी। ठीक है, कहीं भी आदमी मेहनत करता है, काम करता है, फिल्म क्यों बोला जाता है कि फिल्म है, या तो आप चलिए नहीं तो कैमरा चले, नहीं तो कैमरा चले नहीं तो हम चले, यही फिल्म है, फिल्म फिल्म है। मान लो कि हम एक फाइट मार के घर पहुंच गए तो कसाचो के घर पहुंच जाएगी। हाँ ठीक है, जो चीज अगर, जिस चीज में अगर रियल पना की थोड़ी कमी अगर दिख रही है उसको सुधारा जाएगा। अब पवन जी, आप ज्यादा फिल्में तो वैसे भी साल में करते नहीं है, 3-4 फिल्में जहां तक मैं समझता हूँ करते हैं, जब 5 फिल्में अकेले सारेगामा के साथ आप करेंगे तो बाकी लोग बाकी में तो उसको कैसे समय दे पाएंगे? नहीं देंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है,
पिक्चर तो 2010 में हमारा 18 को रिलीज हुई है, 21 साल में जी। लेकिन वो आदमी सीखता है, बोलता है, या भगवान जब या हमारे ऑडियंस जब स्थान देते हैं तो आदमी सेलेक्ट करता है। मैंने खुद ही डिसाइड किया कि मुझे साल में 5 ही पिक्चर करनी है, उससे ज़्यादा फिल्म नहीं करूँगा। जो भी आदमी मेहनत करेगा वो मेहनत को हर फिल्म को जो भी फिल्म हम लोग करेंगे उसको त्यौहार पर रिलीज करेंगे। खबर तो ये भी है कि अगले साल से चुनाव शुरू हो जाएंगे और इस बार पवन सिंह जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी में व्यस्त हो जाएंगे, फिर फिल्में कैसे करेंगे? ठीक बात, तो लोग चुनाव लड़ा दिया वो लड़ जाए ठीक ना। हमारे ऑडियंस ने ही मुझे गायक बनाए, गायक से नायक बना दिए। अगला जो भी बनूंगा हमारे ऑडियंस ही बनाएगी। जो भी पद मिलेगा हर कुर्सी बाद में बैठेगा, बट काम तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि काम ही प्यारा है और काम ही हमारे लिए भगवान है। और आदमी कहीं भी बैठेगा तो अपने सिंगिंग के दम पे ही बैठेगा और अपने एक्टिंग